चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे आपकी समसामयिक की घटनाचक्र जो वार्षिकांक आई हुई है, और आप सभी लोग जानते हैं कि यूपीपीसीएस और बाकी एग्जामों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक्स है, एक तरह से करंट के लिए आपकी बेस्ट बुक है। ठीक है, इससे आप देखते हैं हर साल क्वेश्चंस भी आते हैं इसी से। तो इसमें आपका राष्ट्रीय परिदृश्य हम लोग खत्म कर चुके हैं, विधिक परिदृश्य भी खत्म कर चुके हैं, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य भी देख चुके हैं, आर्थिक परिदृश्य पर हम लोग बात कर रहे थे। तो इसमें हम लोगों ने बजट देख लिया अपना 2020-21 का, आर्थिक समीक्षा भी देख चुके हैं, उत्तर प्रदेश का भी बजट और समीक्षा दोनों देख चुके हैं, आर्थिक समीक्षा भी और बजट भी। ठीक है, तो इसकी एक समसामयिक की घटनाचक्र वार्षिकांक के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची बना दी गई है, उसी में सभी क्लास में डली हुई है। ठीक है, क्रम से लास्ट में क्या करूंगा कि ये पूरा मर्ज कर देंगे पूरी क्लासों को। ठीक है, तो अभी आप लोग छोटी छोटी क्लासों में पढ़ते रहिएगा। आज की इस क्लास में हम लोग बात करते हैं प्रमुख नीतिगत दस्तावेज और घटनाक्रम। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय आय, तिमाही अनुमान 2020-21 के हैं। ठीक है, कब के? 2020-21 के। 31 अगस्त 2020 को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ द्वारा वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही अप्रैल से जून के लिए स्थिर, यानी कि स्थिर ये आपका आधार वर्ष 2011-12 है, एवं वर्तमान दोनों मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के अनुमान जारी किए गए। 2020-21 की पहली तिमाही में स्थिर यानी कि 2011-12 मूल्य पर जीडीपी का अनुमान 26.90 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। कितना? 26.90 लाख करोड़ रुपए। जबकि अगर हम लोग 2019-20 की पहली तिमाही में यह आंकड़ा देखें तो यह था 35.35 लाख करोड़। तो याद रखिए, इस प्रकार वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में जीडीपी में 23.9% का संकुचन दिख रहा है, और वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में 5.2% की वृद्धि दर्ज की गई थी, यानी कि पिछली बार बढ़ोतरी हुई थी, इस बार घटोतरी हो रही है। एक तरह से वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी का अनुमान 38.8 लाख करोड़ रुपए है, जबकि 2019-20 की पहली तिमाही में आंकड़ा 49.18 लाख करोड़ था, यानी कि इस बार घटता हुआ इसमें भी देखेंगे आप लोग। इस प्रकार वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में जीडीपी में 22.6% का संकुचन दिख रहा है, और जबकि 2019-20 की पहली तिमाही में 8.1% की वृद्धि दर्ज की गई थी, यानी कि आप कह सकते हैं कि इस साल हमारी अर्थव्यवस्था बुरी हालत में है। और वैसे भी आप जान रहे हैं कि देखिए लॉकडाउन लगा रहा जीडीपी के मामले में, और भी आपने कई हमारी सरकार की नीतियों के कारण भी अर्थव्यवस्था नीचे आई है। ठीक है, इसके लिए मैं एक ही बात कहूंगा कि आप लोग क्वेश्चंस पेपर 4 से 5 साल के क्वेश्चंस पेपर लगा लिया करिएगा हर परीक्षा के, जिस भी एग्जाम की तैयारी करें, कम से कम एक अंदाजा तो हो जाता है आपको कि किस मतलब कहां से क्वेश्चंस आपके अधिक पूछे जा रहे, किस टॉपिक से कहां से आ रहे, करंट के कितने आ रहे, पॉलिटी के कितने आ रहे, हिस्ट्री से कितने पूछे जा रहे। इसीलिए आपको सलाह दी जाती है कि 5 से 7 साल की मिनिमम कम से कम पेपर उठा लिया करिएगा, मेंस के आप लोग रखिए लिया करिएगा अपने पास। चलिए अगला टॉपिक इसमें मौद्रिक नीति वक्तव्य 2020-21। 6 अगस्त 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत जी की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति एमपीसी द्वारा मौद्रिक नीति वक्तव्य 2020 जारी किया गया है। समिति द्वारा जारी इस मौद्रिक नीति वक्तव्य में चल निधि समायोजन सुविधा यानी कि एलएएफ के तहत नीतिगत दरों पर कोई परिवर्तन न करते हुए इसे पूर्व स्तर यानी कि 4% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया गया है। मौद्रिक नीति समिति द्वारा जारी नीतिगत दरों की बात करें तो ये कई बार जब भी पेपर देने आप लोग जा रहे हो उस समय देख लिया करिएगा थोड़ा ये आंकड़े। इसमें बात करें आरक्षित अनुपात की तो इसमें सीआरआर आपका 3% रखा गया है, एसएलआर 18.00% और उधार जमा दरों की बात करें तो आधार दर 7.40% से 9% तक, बचत जमा दर की बात करें तो 2.70% से 3.00%, और अगर नीतिगत दरों की बात करें तो रिपो दर यानी कि रिपो रेट 4%, रिवर्स रिपो रेट 3.35%, बैंक दर 4.25%, एमएसएफ दर 4.25%। और एक बात यहाँ बताऊं आप लोगों को, अगर आपको ये रिपो दर क्या है, रिवर्स रिपो
रेपो रेट या क्या है, बैंक दर क्या है, बैंक रेट क्या है, SLR क्या है, CRR क्या है, अगर इसके बारे में आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग UPBCS का एग्जाम ही मत दीजिए। हम मैं आपका मनोबल नहीं गिरा रहा हूँ, ये वो शब्द हैं जो आपको कहा जाता है कि NCERT पढ़िए आप लोग, क्योंकि जब आपका इतना बेस मजबूत नहीं है तो मुझे नहीं लगता है कि मैं इसमें बैठने का आपका कोई फायदा है। ठीक है, प्री PT निकल जाए तो कोई फायदा नहीं, इसलिए आप लोग कम से कम 2 बार 3 बार तो NCERT पढ़ लीजिए और स्पेशल बुक्स पढ़िए जिससे आपके एक टर्म्स तो कम से कम क्लियर हो जाए। हर कोई हर जगह आपको एक टर्म्स नहीं बताएगा, समझ रहे हैं, तो इसलिए कम से कम पढ़ लीजिए। अब आपसे आप राष्ट्रीय आय बतानी पड़ जाए आपको, मुझे लगता है फिर तो हमारी स्थिति और आपकी बुरी स्थिति है, GDP के बारे में बताना लग जाए तो करंट में मुझे लगता है संभव नहीं है। और आपकी जो NCERT कवर की हुई है उनमें सब बताया गया है, और भी जो बुक्स कवर की गई हैं उनमें भी बताया गया है। पर बात करते हैं वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति 2019 से 24। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति पर दस्तावेज जारी किए गए। आप लोगों को नीचे लिखना है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, RBI की, ठीक है, लिखिए आप लोग। यह राष्ट्रीय कार्यनीति वित्तीय समावेशन सलाहकार समिति के तत्वाधान में वर्ष 2019 से 24 की अवधि हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार की गई थी, जिसे वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद द्वारा अनुमोदित भी किया गया है। इस कार्यनीति का उद्देश्य औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक किफायती तरीके से पहुंच सुनिश्चित करना, वित्तीय समावेशन को व्यापक बनाना एवं गहन करना, तथा वित्तीय साक्षरता एवं उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देना। इस कार्यनीति के अगर हम विजन की बात करें हम लोग, तो वित्तीय सेवाओं तक सबकी पहुंच, वित्तीय सेवाओं से संबंधित बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना, आजीविका और कौशल विकास तक पहुंच, वित्तीय साक्षरता और शिक्षा, शिकायत निवारण और ग्राहक संरक्षण और प्रभावी समन्वय, ये इस तरह के इसके विजन है, इस कार्यनीति के विजन है या लक्ष्य कह सकते हैं आप लोग, ठीक है, टारगेट। फिर आप देखेंगे कि नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS मई 2020 बुलेटिन। मई 2020 में रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय भारत सरकार द्वारा नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन जारी किया गया है। बुलेटिन में जारी आंकड़े राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वर्ष 2018 के संदर्भ में, यानी कि 2018 के आंकड़े लिए गए हैं एक तरह से। बुलेटिन में जारी आंकड़ों के अनुसार 2018 में राज्यों को में सबसे कम शिशु मृत्यु दर, जिसे IMR कह देते हैं आप लोग, नागालैंड में 1,004 हुई है, और जबकि सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश में यानी कि 48 हुई है। तो आप ये मत कहिए कि मध्य प्रदेश आपका मतलब अच्छा स्थिति में है, आप समझ सकते हैं कि बच्चों की मौत के मामले में मध्य प्रदेश सबसे नीचे है, मतलब सबसे ऊपर है, एक तरह से ज्यादा होती है, नागालैंड में सबसे कम होती है, कितनी, 4, और आप देख सकते हैं कि 48 मध्य प्रदेश में, ये भी याद रखिए। बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनमें सब में यही स्थिति रहती है। भारत के बड़े राज्यों में बात करें तो सर्वाधिक जन्म दर बिहार 26.2, कितना, 26.2 में, तो सबसे कम की बात करें तो केरल में 13.9%, क्योंकि आप जानते हैं कि केरल पढ़ा लिखा है और बिहार की स्थिति तो जग जाहिर है। जबकि सभी भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जन्म दर अंडमान निकोबार द्वीप समूह 11.2 रही है। सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2018 में सभी भारतीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष जन्म दर एवं न्यूनतम जन्म दर वाले 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश क्रमशः निम्न है, कौन कौन से, शीर्ष जन्म दर वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो बिहार 26.2, उत्तर प्रदेश आपका 25.6, मध्य प्रदेश 24.6, राजस्थान 24.24 और दादरा और नगर हवेली 22.9। अगर सबसे कम यानी कि न्यूनतम जन्म दर वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह 11.2, गोवा आपका 12.4, नागालैंड की बात करें तो 12.9, त्रिपुरा की बात करें तो 13.0, चंडीगढ़ की बात करें तो 13.3, पुडुचेरी की बात करें तो ये 13.7 है। अभी अगर सभी राज्यों में बात की जाए तो याद रखना न्यूनतम अंडमान निकोबार द्वीप समूह और शेष पर है आपका बिहार, ठीक है। और अगर आपसे केवल राज्यों की पूछा जाए तो गोवा न्यूनतम जन्म दर वाले राज्य में है और सबसे बिहार, ठीक है। भारत में विगत 4 दशकों में मृत्यु दर में काफी अधिक गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 1971 के 14.9 प्रति 1,000 से गिरकर वर्ष 2018 में 6.2 प्रतिशत
प्रति हजार हो चुकी है 6.2 प्रति हजार। एक बात और याद रखिए, क्योंकि आप देख रहे हैं स्वास्थ्य व्यवस्था हो चुकी है, पढ़े लिखे लोग हो गए तो ये देखा जा रहा है। पहले आप देखते थे कि महामारी आया करती थी, पूरा गांव का गांव साफ हो जाता था। आज आप देखिए हर का लगभग आप सोचिए इलाज है हर सुविधा का। ये अलग बात है कि कोरोना का अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है, लेकिन बहुत जल्दी देखिए आ जाएगी वैक्सीन। बड़े राज्यों, छोटे राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना करने पर मृत्यु दर सबसे कम दिल्ली 3.3 प्रति हजार है, और तो सबसे अधिक की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 8 प्रति हजार है, 8 प्रति हजार है। इन्हें भी अच्छे से याद रखिए। राष्ट्रीय स्तर पर शिशु मृत्यु दर की बात करें तो वर्तमान स्तर वर्ष 2018 की में प्रति 1,000 जीवित जन्म पर 32 शिशुओं की मृत्यु। आप समझ रहे हैं कि 100 यानी कि 1,000 पर 32 शिशुओं की मृत्यु। और 1971 के स्तर पर बात करें तो प्रति 1,000 जीवित जन्म पर 129 शिशुओं की मृत्यु की तुलना में घटकर 1/4 हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कि 1971 में सुविधाएं उतनी हर क्षेत्र में नहीं थी, आज आप हर क्षेत्र में देखेंगे सुविधाएं। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में शिशु मृत्यु दर का आंकड़ा नागालैंड में सबसे कम यानी कि 4 दर्ज किया गया है, और आपके एमपी में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक यानी कि 48। इन दोनों पॉइंटों को बड़े अच्छे से याद रखें। पर आप देखेंगे एक टॉपिक है दृष्टिबाधितों के लिए मणि एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो सबसे पहले तो आपको यही रखना है याद कि मणि जो ऐप लॉन्च किया गया है, एप्लीकेशन इस किससे संबंधित है, दृष्टिबाधितों से। 1 जनवरी 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिदास दास द्वारा मनी या मोबाइल एडेड नोट नोट आइडेंटिफाई मनी ऐप लॉन्च किया गया है। इसका पूरा नाम याद रखिए। यह एप्लीकेशन भारतीय बैंक नोट्स के मूल पर की पहचान करने में दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सहायता करेगा। याद रहे कि भारतीय बैंक नोट में कई विशेषताएं होती हैं, जैसे उत्कीर्ण मुद्रण, स्पर्शनीय चिन्ह, नोटों के विभिन्न आकार, बड़े अंक, परिवर्तनीय रंग, मोनोक्रोमेटिक रंग और पैटर्न आदि, जो दृष्टिबाधित लोगों में को उसे पहचानने में सक्षम बनाते हैं। इस ऐप की निम्नलिखित विशेषताएं: मोबाइल फोन के कैमरे से करेंसी नोटों की स्कैनिंग करना, महात्मा गांधी श्रृंखला और महात्मा गांधी नई श्रृंखला के नोटों के मूल वर्ग की पहचान करने में सक्षम है। तो इनकी विशेषताओं के बारे में भी याद रख सकते हैं। प्रकाश की विभिन्न स्थितियों, सामान्य प्रकाश, दिन का प्रकाश, कम प्रकाश आदि में नोटों की पहचान करने में सक्षम है। आधी मुड़ी नोट के साथ नोट किसी भी भाग की अलग अलग कोणों से जांच करने में भी सक्षम है। तो आपका क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा कि ये किसने जारी किया है और किसके लिए है, ठीक है। भारत बॉन्ड ईटीएफ को मंजूरी मिली है। 4 दिसंबर 2019 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति भारत बॉन्ड ईटीएफ के सहजन और लॉन्च को मंजूरी प्रदान की गई है। यह देश का पहला सार्वजनिक कॉरपोरेट बॉन्ड ईटीएफ है, क्योंकि ये इसमें शामिल सभी कंपनियां सार्वजनिक क्षेत्र की हैं। इस प्रकार भारत बॉन्ड ईटीएफ पूर्व में भारत सरकार द्वारा जारी भारत 22 यानी कि 22 ईटीएफ से भिन्न है, क्योंकि भारत 22 ईटीएफ में सार्वजनिक कंपनियों के साथ साथ निजी कंपनियों को भी शामिल किया गया था। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग की एक पहल है। भारत बॉन्ड ईटीएफ CPSES, CPSU और या फिर CPFIS या फिर अन्य किसी सरकारी संगठन द्वारा AA+AAA रेटिंग वाले बॉन्डों की एक टोकरी है। याद रहे कि AAA रेटिंग के बॉन्ड सबसे अधिक सुरक्षित बॉन्ड माने जाते हैं, क्योंकि इसमें जोखिम न्यूनतम यानी कि घाटे की कम संभावना रहती है। तो चलिए इसे हम लोग यहीं रोक देते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के बारे में। इसलिए बोल रहा हूँ कि छोटी छोटी क्लासें रहेंगी और एक टॉपिक पूरा ले लिया जाएगा, क्योंकि आपने देखा है फिर वहां हम लोग जब आपका टाइटल देते हैं वहां भी लिखने में प्रॉब्लम जाती है टॉपिक को। लेकिन लास्ट में क्या करूंगा कि पूरी सभी क्लासों को मर्ज कर दूंगा, ठीक है।